जी मी नो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ओके yes, जबरदस्त अच्छा आप लोगों में से पहले जी सॉक का किसी ने नाम सुना है या किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो वो कर सकते हैं किसी को पहले से इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है राइट ठीक है तो बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है आज हमारे पास जिसको आइडिया नहीं है कि जी सॉक क्या है और uh, किस तरह से हम अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हैं हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है कौन उसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं ठीक है तो स्टार्ट uh, करते हैं वर्कशॉप जी सो uh, के एक गूगल के ऑर्गेनाइज किया हुआ एक प्रोग्राम है ओपन सोर्स और uh, जिसको हम गूगल समर ऑफ कोड कहते हैं और ये स्टार्ट हुआ था सॉरी <coughs> टू में ये वर्ल्ड worldwide... वाइड प्रोग्राम है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया स्टूडेंट्स के लिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री होते हैं अपनी समर ब्रेक में जो कुछ लर्न करना चाहते हैं और लर्निंग के साथ साथ अर्न भी करना चाहते हैं ठीक है तो गूगल का नाम सबने सुना है कि एक बिग टेक जाइंट है और ऑब्वियसली उसका जो प्रोग्राम है वो भी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए डेवलपर्स के लिए प्रोफेशनल्स के लिए तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का क्या यहाँ पे मतलब है? कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोर्स ओपनली कंट्रीब्यूट करती हैं और हमें एक्सेस देती हैं पब्लिकली इसकी एक्सेस होती है कि हम आके उसमें कंट्रीब्यूट करें अपने उनकी जो सॉफ्टवेयर हैं उनके जो कोर्स हैं उसमें चेंजेस करें इम्प्रूवमेंट्स करें मोडिफिकेशन करें तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट एक किस्म का हम बनाते हैं वो उसकी एक्सेप्टेंस हो वो कैसे हो कैसे प्रिपरेशन करनी है वो सारी चीजें आज हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी समझ नहीं आती है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप लोग मुझसे मुझे रोक के पूछ सकते हैं ओके okay. तो आ, सबसे पहले जीसो क्या है इसके बेनिफिट्स क्या है और इसमें इसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है ये हमने डिस्कस कर लिया कंटेंट अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ओपन सोर्स से हाँ क्या मुराद है ओपन सोर्स बेसिकली एक सोर्स कोड जो कि पब्लिकली जिसकी एक्सेस की जाए उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने सॉफ्टवेयर्स में uh, की डेवलपमेंट में हमें एक्सेस देते हैं कि हम उनके कोड को मॉडिफाई कर सकें हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें और उसमें अपना इनपुट दे सकें ताकि उसमें मजीद उसकी इम्प्रूवमेंट हो सके और अपनी स्किल सेट्स को हम पॉलिश कर सकें फॉर एग्जांपल हमें हमारे पास कोई भी स्किल है और हम चाह रहे हैं उसको इम्प्रूव करना उसको डेवलपमेंट साइड पर लाना तो हम वो कैसे लाएं अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चाह रहे होते हैं कि हम अच्छा हमें यूनिवर्सिटी में कंटेंट तो पढ़ा दिया गया सारा तो हम चाह रहे हैं कि हम उसको रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट भी करें हम चाहते हैं कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि हमें एक्सपीरियंस हो हमने जो चीज पढ़ी है उसको सीखें भी ठीक है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना किसी चीज की तो वो आपको उतने अच्छे से नहीं आती जितना आप बस उसको पढ़ लेते हो थोरली तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा तो ये प्रोग्राम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको एक ऑपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप इसमें ओपनली आके कंट्रीब्यूट कर सकें और कोलैबोरेट कर सकें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डेवलपर्स हायर करने होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आती हैं कंट्रीब्यूशन के लिए उनको डेवलपर्स चाहिए होते हैं तो अगर आप अपना अच्छा इनपुट इसमें देते हो तो उनको ऑब्वियसली एक अच्छा डिवेलपर मिल जाएगा और वो आपको हायर कर लेंगे यानी एक किस्म की आपकी इंटर्नशिप या आपकी जॉब हो रही होती है बहुत थोड़े टाइम के लिए जिसको आप इंटर्नशिप भी कहते हो और आपके लिए, आपको उसके लिए फिर पे किया जाता है तो आप कंट्रीब्यूट करते हो और इट्स फ्री आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता इसके लिए जस्ट आप जाते हो कंट्रीब्यूट करते हो और इसमें पार्टिसिपेट करते हो और फिर इट डिपेंड्स ऑन के फिर क्या आउटकम आता है आपके जो प्रोजेक्ट है उसके रिजल्ट क्या आते हैं तो बेसिकली ये ऑनलाइन ही होता है इंटरनेशनल प्रोग्राम है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भी uh, कैटेगरी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं जो स्टूडेंट नहीं भी होते हैं तो वो भी करते हैं और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जैसे मैं uh, पहले भी इस चीज़ को मैंशन कर चुकी हूँ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं uh, अगर आप uh, सबसे पहला बेनिफिट ये देखें कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी की ब्रेक है आपका जो समर ब्रेक है उसमें क्या होता है कि आपने या तो अपनी कोई सेल्फ लर्निंग आप कर रहे होते हो या तो आप उस टाइम को फ्री को एंजॉय कर लेते हो अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हो चीजों को चाह रहे होते हो क्योंकि कि मैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लू कुछ चीजें सीख लू तो उसके लिए ये बेस्ट है जो स्टूडेंट चाह रहा है जो विलिंग है कुछ करने के लिए तो ये ओपन सोर्स है और टाइम की अच्छी यूटिलाइजेशन हो जाती है आपका समर में जितना भी ब्रेक है आप उसको कर सकते हो क्योंकि ये उतने में ही होता है कि ट्वेल्व वीक्स लॉन्ग ये चल रहा होता है और इसमें आप स्टाइपन भी अर्न कर सकते हो यानी कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जिसपे आपने काम किया अपनी टीम के साथ मिलके अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका बेनिफिट ये है कि आ, आपको फिर स्टाइपन दिया जाता है क्योंकि काम आपने किया और आपको हायर किया जाता है जो फिर आप उसमें काम करते हो फिर उसके उसके पैसे भी आपको दिए जाते हैं ठीक हो गया तो यहाँ पे करियर रिलेटेड एक्सपीरियंस को गेन करने का मस, आ, जो आ, मतलब है वो ये है कि बहुत सारे इंडस्ट्री लेवल के जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं इंजीनियर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी सॉक में ठीक है और वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ यूजर उसको यूज नहीं कर रहे होते सॉफ्टवेयर को मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं और उनपे वो लोग काम करते हैं कि उसकी यूजबिलिटी बढ़े उसमें मजीद हम इम्प्रूवमेंट करें क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं काफी सारे अपने काम में कोडिंग में एक्सपर्ट हैं बाकी चीजों में एक्सपर्ट हैं तो वो आके कंट्रीब्यूट करते हैं और वो वहां से मजीद सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि हम कितना लर्न करें हम कितना सीखें ठीक है इस चीज से और अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से हम गेन कर सकते हैं क्योंकि देखें अगर आप घर बैठ के बगैर कोई पैसे दिए आप ऐसे लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करके काम करने का आपको मौका मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज है आप उनसे सीख सकते हो बहुत कुछ ठीक है और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे सीख सकते हो अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्होंने एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू आप उसको किस तरह से उससे बेनिफिट लें आपका कितना कैसे आप फायदा उठा सकते हैं उस प्लेटफॉर्म का या उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए आप काम करें ठीक है Student mostly अपनी और को practical use में लाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि आपको थियोरेटिकली तो सब कुछ पता है बट आपकी जो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन है उसमें थोड़ा सा कहीं लैक हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि अच्छा मैं अपनी डिग्री के बाद मुझे तो इंडस्ट्री में जाना है और मुझे काम करना होगा अभी आप बेशक इतना ज़्यादा सीरियस होकर चीजों को नहीं पिक कर रहे हैं तो लेकिन आपको जब काम करना पड़ेगा तो आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए वो आपकी स्किल सेट जो भी आपकी फील्ड है वट एवर फील्ड यू हैव आपको वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी चीजें आपको सारा काम आ, आना चाहिए तभी आपको जॉब मिल सकती है तो इंडस्ट्री में आने से पहले आप फुली प्रिपेयर्ड हो उनको फुली प्रिपेयर्ड करें और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इम्प्लीमेंट करें एक्सपीरियंस लें अपनी चीजों को इम्प्रूव करें ताकि आप इंडस्ट्री में जब जाएं तो आपको बेनिफिट हो आपका जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहीं भी जाए आप कहीं भी पार्टिसिपेट करें आप नेटवर्क वहाँ पर बनाएं ठीक है अच्छा नेटवर्क बनाएं जो आपको भी बेनिफिट आप उसको हो उनको भी बेनिफिट हो आपका और आपको भी बेनिफिट हो उनका ठीक है और टीम वर्क इंस्टेड ऑफ सोलो वर्क अगर आप अकेले बैठ के अलग से बिल्कुल एज ए इंडिविजुअल काम करना चाह रहे हैं तो ओके टोटली डिपेंड्स ऑन यू बट इसका बेनिफिट इतना नहीं होता जितना टीम वर्क का होता है फॉर <coughs> एग्जाम्पल अगर आपके पास एक स्किल है ठीक है मल्टीपल भी हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल एक स्किल है और आप चाह रहे हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट में इसको इंप्लीमेंट भी करूँ ठीक है अब हो सकता है कि एक और पर्सन है जो कि आपकी टीम को ज्वाइन करना चाह रहा है और उसके पास आपसे बेहतर या कोई और अल्टरनेट uh, स्किल हो जो कि मजीद आपके प्रोजेक्ट uh, को अच्छा कर सके इम्प्रूव कर सके आ गए, या आ गए, आपके भी हो गए और सामने वाले की भी हो गए. तो मिलकर आप काम करेंगे वो अपनी स्किल्स आपको देगा आप अपनी स्किल्स उसको बताएंगे कि ये ये है और इस तरह से मैंने काम किया तो दोनों की लर्निंग हो जाएगी उसकी भी लर्निंग हो गई आपकी भी तो ये टीम वर्क टीम में रह के आप काम करना आना चाहिए विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं कि आप किस तरह से एक प्रॉब्लम को डिफरेंट वे से उसका सोल्यूशन सोचें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे हम लीड कोड के प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं अब हम ऐसा नहीं है कि हम अकेले बैठ के एक रूम में लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमसे वो सक्सेसफुली हो जाए चले हो भी जाता है बट आपके माइंड में एक अप्रोच आई है एक से ज़्यादा आ सकती है ओके okay. बट अगर आप सेशन में आकर उसको डिस्कस करें और फिर सबके साथ मिलकर सॉल्व करें तो डिफरेंट दस अगर लोग हैं दस किस्म की और अप्रोच आपके माइंड में आ जाएंगी ठीक है आप सब डिस्कस discuss करोगे डिस्कशन से जो चीज़ की जाती है वो कभी भी भूलती नहीं तो आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है वो इम्प्रूव हो जाती है और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो है वो आप उसको जो है वो गेन करते हो क्योंकि इंडस्ट्री लेवल के जो लोग हैं वो वहां पे काम कर रहे होते हैं जैसे अब अगर मैं बात करू वी मीडिया प्लेयर की तो ये एक वर्ल्ड बिगेस्ट मीडिया प्लेयर है इस इसपे बहुत सारे इंजीनियर्स ने जो कि टॉप वर्ल्ड टॉप इंजीनियर्स हैं उन्होंने काम किया था और स्टिल दे आर वर्किंग ऑन यूनिट तो आपको मौका मिल जाता है ऐसे लोगों के साथ काम करने का जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं बट अभी आप नहीं हो लेकिन आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो वहां तक पहुँचने के लिए दूसरी चीज ये है कि आप कि जो भी एक्सपीरियंस uh, आ रहा है आपने जो भी कंट्रीब्यूशन की है जो भी आपकी पार्टिसिपेशन रही है आप उसको अपनी रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा आपके रिज्यूमे में अच्छी चीजें ऐड हो जाएंगी और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग जी सॉक जो है वो एक बहुत अच्छा आ, आ, जो है प्रोग्राम है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके रेजूमेर के लिए आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को ये बूस्ट करती है फॉर एग्जांपल इससे क्या मुराद है इसका इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी इंटरनेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के लोग होंगे हमसे बेहतर उनकी स्किल सेट्स हो सकती हैं और हम उनसे सीख सकते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनकी जो रिक्रूटर हैं वो जज कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि ओके मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया इस पे काम किया इस इस पर्सन ने तो वो वहां से आपको हायर कर सकते हैं और कर लेते हैं ठीक है अगर आपने उनको अपने काम से इम्प्रेस कर दिया तो यू विल गेट हार्ड ठीक है आपको ऑर्गेनाइजेशन रख लेती है और वो आपको फिर परमानेंट जॉब के लिए रखे या एंटर नहीं रखे वो वो डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है ठीक है अगर आप लास्ट ईयर में और आप करना चाह रहे हैं परसू तो आप फुल टाइम भी दे सकते हैं उनको टाइम या फ्लेक्सीबल आवर्स भी दे सकते हैं वो फिर डिपेंड करता है ठीक हो गया अच्छा अब इसकी एलिजिबिलिटी eligibility... क्या है और ड्यूरेशन क्या है कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकता तो इसकी रिस्ट्रिक्शन एक यही है कि 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हो आदर योर लेवल पर तो आप एलिजिबल हैं और ये टेन टू ट्वेल्व ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेल्व वीक्स लॉन्ग चल चल जाता है और इससे ज्यादा लॉन्ग नहीं होता कंट्री बाई स्टेप किसी भी कंट्री से हैं आप किसी भी एरिया से हैं आप कहीं भी रहते हो किसी छोटे से गांव में भी रहते हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको आपके कहीं रहने से आपके किसी कल्चर से आपके किसी रिलीजन से कोई कंसर्न uh, नहीं है ठीक है वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ओके okay, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है या नहीं है। सामने वाला कोई भी ठीक हो गया आपको स्टाइपन दिया जाता है डॉलर में इट कुड बी आई थिंक फिफ्टीन 2000. इतना स्टाइपेंड होता है उसके दरमियान में ही कोई अमाउंट तकरीबन ये चार पांच लाख बन जाता है इजीली तो आपका समय अच्छे से यूटिलाइज भी हो गया इसमें आपने बहुत कुछ सीख भी लिया और आपका एक्सेप्ट होना ना होना मैटर नहीं करता अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ वेल एंड गुड जबरदस्त नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हमने खुद को ट्रेन करना है हमने खुद को प्रिपेयर करना है फॉर द नेक्स्ट टाइम ठीक है और उसके बाद आपको ठीक है है, आपने भी कर लिया, अब ये कैसे काम करता आप जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स होते हैं जो हमें गाइड करने के लिए होते हैं अगर हमें समझ नहीं आ रही कि अच्छा हम पहला स्टेप कहाँ से लें, हम कैसे स्टार्ट करें और उस प्रोजेक्ट में हमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल है या वट प्रॉब्लम यू हैव तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं आप अपने को जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं जो भी इश्यूज को रिजोल्व कर रहे हैं तो वो आप गाइडेंस ले सकते हैं मैंटोर से मैंटोर ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल होते हैं आप आपके पास और डिफरेंट मैंटो होते हैं नहीं है कि सिर्फ एक ही मैंटोर है और वो अवेलेबल नहीं है तो यू आर वेटिंग फॉर तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनको कम्युनिकेशन uh, कम्युनिटी में रहते हुए वो uh, ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है उनको डीएम uh, करना है या फिर उनको किस तरह से अप्रोच करना है कौन सा बेस्ट वे है उनको रीच आउट करने का अब गूगल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज uh, करता है कि वो पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमने पार्टिसिपेट करना है हमने uh, खुद इस चीज़ को चूज करना है कि हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स पिक करनी है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करना है ठीक है अब हमारा टारगेट कुछ भी हो सकता है अब आपको जो लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट में रह के या इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करते हुए आप बहुत अच्छे से इसको कर जाओगे अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए तो आपको करना चाहिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही कोई आ, मुश्किल सा प्रोजेक्ट उठा लो और उसको समझो कि होके इसकी वर्थ ज्यादा होगी तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ नहीं ईजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो आप सॉल्व करना आप क्या करते हो कि जब आप काम कर लेते हो अपना वो प्रपोजल पूरे पूरे का पूरा आप डिज़ाइन कर लेते हो आपकी पूरी टीम होती है तो उस प्रोजेक्ट प्रपोजल में कोड आता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी जो प्रजेंटेश होती हैं आपने जो उनको बताना होता है कि किस तरह से हमने काम किया वो सारा आप प्रपोजल एक बना के सबमिट करते हो मैंटो को और वो मैंटो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं तो यहाँ पे आपका जो रोल है सबसे इम्पोर्टेंट वो आपने ये प्ले करना है कि आपने मेंटर को इम्प्रेस करना है अपने काम से अगर आपने कर लिया देन आपके लिए इजी हो जाएगा ठीक है इजी किस तरह से होगा क्योंकि मेंटोर पर डिपेंड करता है आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे सही हो गया तो यहां पे आपका ये रोल है अब जो मैंटोर्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन uh, की तरफ से कि वो स्टूडेंट को चूज करें कि वो जिसको चाहे उसको एक्सेप्ट करें अब वो इसमें कोई फेवरेटिजम नहीं होती इसमें ये देखा जाता है कि ओके किसका ज्यादा बेस्ट है आ, 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 जो इसका प्रोजेक्ट का जो भी उनको रिजल्ट आ रहे हैं जो भी आउटकम्स आ रही है वो किसकी बेस्ट है अगर उनको आपका बेस्ट लगता है तो आप एक्सेप्ट हो जाएंगे फिर क्या होगा कि पहले तो आपको इंडिविजुअली ढूंढनी पड़ेंगी चीजें आपको अगर आपके पास टीम भी है फिर भी आपको इंडिविजुअली चीजों को एक्सप्लोर करना होगा आपको उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करनी होगी आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी किस टाइप की है ठीक है और उसमें किस किस तरह के इश्यूज हैं जो हम रिजोल्व कर सकते हैं उसके बाद अब आप जब कंट्रीब्यूशन आपकी हो जाती है आप एक्सेप्ट हो जाते हो फिर आप टीम अप होते हो फिर आपका मेंटोर के साथ पेयर अप होता है थ्रू आउट होल जो भी जर्नी चल रही होती है इस प्रोजेक्ट की ठीक है आई थिंक ट्वेल्व वीक्स ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चलता है और फिर उसके बाद जब आप टीम अप हो जाते हो और वो सारा काम आप मिलकर करते हो फिर कोडिंग का जो है वो फेज स्टार्ट होता है फिर आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हो और बाकी की जो भी आपने इम्प्रूवमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन करनी है फिर आप करते हो अब अगर आपको कोडिंग अच्छी लगती है क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कोडिंग में आप बहुत अच्छे हो आपको पसंद है आप कंफर्टेबल हो कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो आप पाइथन ले सकते हो सी प्लस प्लस है जावा Java है जावा स्क्रिप्ट वट लैंग्वेज से मैटर जो है वो मैटर नहीं करती कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वी uh, रिकमेंड कि अगर आप पाइथन चूज़ करते हैं तो एक तो ये इजी टू लर्न है ठीक है आसानी से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उसका सेंटेक्स बहुत यूज़र फ्रेंडली है और इजी uh, इजीली आप इसको uh, जो है कर सकते हो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ नया सीखें क्योंकि uh, जब आप फ्री होते हो आप फ्री टाइम में तो आप की कोशिश ये होती है अक्सर लोगों की कि वो कुछ नया सीखें पहले वाली चीजें तो ठीक है ओके ओके हमने हमने हमें आती हैं भी कर ली ठीक ठीक हो गया सारा कुछ है बट अब कुछ नया सीखें जो कि बेनिफिशियल हो हमें फ्यूचर में ठीक है काफी हमें उसके बेनिफिट्स हों और कुछ ऐसा जो रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट भी कर सको ऐसी चीजें अगर सीखना चाह रहे हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए ठीक है यू आर रेडी फॉर इट आपको जाना चाहिए इसके लिए अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपने इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है। uh, होते हैं डेवलपर्स भी होते हैं अब स्टूडेंट्स में भी एक तो बिगनर uh, लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट लेवल के भी स्टूडेंट होते हैं अब होता यह है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है ऑब्वियसली आप नहीं होंगे फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं और बिगनर को तो कुछ भी नहीं पता वो भी बेचारा चीज़ों को एक्सप्लोर ही कर रहा है उसको नहीं समझ आ रही मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती मुझे तो ये भी नहीं आता तो इसमें के लिए ये सजेशन होता है मेरा कि आपने अगर पार्टिसिपेशन इसमें करनी है आपकी पार्टिसिपेशन इसमें आपको लगता है कि मुझे इस साल करनी चाहिए तो आप ये ना सोचें कि मैं पहले इसकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर लूँ और जब मुझे लगे कि मैं रेडी हूँ इसके लिए और फिर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ नहीं आप इसमें जैसे कोडिंग के हमारे सेशन चल रहे हैं वो कोई बिगनर भी है तो वो अटेंड करेगा उसको कोडिंग आ जाएगी कोडिंग आ गई आ आपको ठीक है आपकी ग्रिप हो गई आप उसकी प्रैक्टिस करें कोडिंग की एटलीस्ट आप कोडिंग पार्ट हैंडल कर सकते हैं बिगनर लेवल पे भी रह के अब आप उसको आपने बस इम्प्लीमेंट करना है अब इम्प्लीमेंट क्या होता है थोड़ा बहुत आप एस टी एम एल सी एस एस सीख लें तो आप उसको वेब एज अ वेब ऐप में वो कर सकते हैं यूज कर सकते हैं आप एज अ डेस्कटॉप ऐप आप बनाना चाह रहे हैं या आप ऐप uh, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं या अगर आपकी एक्सपर्टीज थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग या एआई के रेलिवेंट है आजकल तो एआई बहुत चल रहा है तो अगर उस डोमेन में आप हैं तो आप उससे भी कंटिन्यू सारा अपना जो है वो प्रोसीजर कर सकते हैं तो कि आप कोडिंग के को अटेंड कर लें और अपनी कोडिंग की बेसिक्स को वहां पे स्ट्रॉन्ग कर लें जरूरी नहीं है कि आपने एक साल जाना है और उसी में आपने बहुत अच्छा कर जाना है या अगर नहीं हुआ तो आपने अपनी जो है वो होप को छोड़ देना और आपने कहना सब मैं नहीं जा रहा मैं मैं तो कुछ नहीं कर सका यहाँ पे नहीं आप पार्टिसिपेट करें बस छलांग लगा दें उसमें देखें कि लोग किस तरह काम करें लोगों को देख देख के सीखें वहां से सीख के आए नहीं अगर हुआ कोई बात नहीं अपने आप को प्रिपेयर करें क्योंकि ये हर साल होता है ना एक बार तो नहीं होगा हर साल होता है ये टू से चल रहा है और अभी अभी तकरीबन तो अठारह उन्नीस हो गए और ये है तो आपने हर बार खुद को रेडी करना है कि आप मजीद अच्छा कर जब तो आपने क्या करना है एक बार फेलियर हुआ ओके प्रिपेयर करो खुद को लेकिन सारा फोकस इसी पे नहीं रहे बाकी चीजें भी करो आप तो इसको मजीद इम्प्रूव करो और कोशिश करो कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर पार्टिसिपेट करूँ तो मैंने इसमें बहुत अच्छा और करना है मैं पहले से ज्यादा अच्छा कर लूँ तो इसी तरह से जब आपकी ये मोटिवेशन रहेगी कि मैंने मेरी जो पर्पज है मेरा जो पर्पज है वो लर्निंग है ठीक है अर्निंग अर्निंग तो चले है ये अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपको स्टाइपन तो मिलेगा बट अगर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है तो आप ये माइंडसेट अगर आप बना के जा रहे हैं तो आप रेडी हैं इसके लिए आप इसमें पार्टिसिपेट करें और करना भी चाहिए ताकि आपकी लर्निंग हो और नेक्स्ट आने वाले टाइम पे आप मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकें अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्किल्स हैं उनको देखा जाता है इसकी दो कैटेगरीज मैंने बताई एक जर्नल है और एक स्पेसिफिक जर्नल तो सबको आनी चाहिए सबको पता होना चाहिए कि ये अगर मैं गूगल कोड को मुझे क्रैक करना है या एटलीस्ट मुझे पार्टिसिपेट भी करना है थोड़ा बहुत सीखने के लिए भी भी आपको ये आने चाहिए बिगनर्स को भी ये आना चाहिए को आना कि आपकी प्रोग्रामिंग हो जैसे पाइथन का मैंने जिक्र किया पाइथन ले लें जो जो भी आपको फेमिलर है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं जिस भी लैंग्वेज में आप वो पिक करें अपनी प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत अच्छा करें आपको वर्जन कंट्रोल जैसे गेट गिट हिट कमांड्स ये सारी आनी चाहिए आपको फाइल फाइल हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको डेवलपमेंट का नॉलेज हो कि कैसे uh, चीजों को ये कोडिंग करके मैं डेवलपमेंट साइड पे काम कर सकता हूँ ये, ये तो हो गई जर्नल बट अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ आपको वेब डेवलपमेंट भी आनी चाहिए आपको वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी काम आना चाहिए क्या ओके अगर आप थोड़ा बहुत एच डी यूज करना जानते हैं इट्स टू इजी आप कोई भी ट्यूटोरियल देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके मुझे किस तरह से एस डी एम एल सी एस को चेस को यूज करना है उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट वो भी इजी है इतना मुश्किल नहीं है कोडिंग मैटर करती है कोडिंग आती है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक है कोडिंग पे आपकी ग्रिप हो तो बाकी चीजें तो हलवा है आप डेस्कटॉप एप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो या ऑलरेडी आप अच्छा उस आ, अच्छी है और मजीद आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स भी अच्छी हो आप कहीं भी बैठे आप कनेक्शन बना लें अच्छे कनेक्शन बहुत काम आते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स तो की भी आपको स्किल हो थोड़ी, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग टाइप भी आनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडिंग रेडी uh, करनी आनी चाहिए आपकी टेक्निकल राइटिंग अच्छी हो तो इन सारी चीजों पर आप अगर ग्रिप है इनमें से कोई भी अच्छी चीज़ हो जाए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है या आपको बाकी डेवलपमेंट साइड पे बहुत अच्छी चीजें करना आती तो यू आर रेडी फॉर इट यू शुड गो आपने ये चीजें प्रिपेयर करनी अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि कितनी कंट्रीब्यूशन uh, हमें करनी चाहिए सिलेक्शन के लिए मतलब इसकी कोई फिक्स uh, वो नहीं है कि आप अगर इतनी कंट्रीब्यूशन करें कि आप अगर फॉर एग्जांपल दस बारह ऑर्गेनाइजेशन है आप ज्यादा से ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्योंकि इसका टाइम भी बहुत लगता है अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है कंप्लीट उसके फिर वो प्रॉब्लम्स देखनी है फिर उनके सॉल्यूशंस देखने हैं कैसे करना है कैसे नहीं तो आप अपना टाइम एक ही फिर अच्छा इन्वेस्ट कर लें बजाय इसके कि आप ज्यादा से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो उससे ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा कि ओके इस पर्सन ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया हुआ है ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके आप एक ही को पिक करें और इसी को अच्छा कर दें ठीक है इससे आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ जाएगा बजाय इसके कि आप ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करें कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें और फिर उसके ऊपर डिसाइड करें कि ओके मैं इसको भी कर लेता हूँ इसको भी कर लेता हूं। तो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो सिलेक्शन की रीजन नहीं बनती ठीक है आपका अच्छा काम चाहे आप एक ही को पिक करके एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें क्योंकि इतना मुश्किल होता है ये इतना ज्यादा इजी भी नहीं होता अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें थोड़ा स्टडी करें तो ईजी हो जाएगा ठीक है ज्यादा मुश्किल भी नहीं कोई भी डाउट हो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कोई समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की तो आईकोड पर आप पूछ सकते हो स्लैक पे पूछ सकते हो या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेस्ट वे ये है कि आप उनके मैंटर से पूछो कि भाई मुझे ये, ये प्रॉब्लम आ रही है ये मसला और सॉल्व नहीं हो रहा तो काइंडली गाइड में यहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि आपने कभी भी उनको डायरेक्ट मैसेज नहीं करना डायरेक्ट डीएम नहीं करना दे आर मच बिजी पीपल वो इतने बिजी होते हैं वो नहीं देख पाते हैं अगर आप किसी बाकी सीरियस प्रॉब्लम में फंस गए हो आपका कोई लास्ट स्टेप रह गया बाकी सब हो गया तो नहीं हो रहा तो आप उनको पिंग करो और वेट करते रहो इतना टाइम ही खत्म तो हो जाए तो नहीं ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है नेगेटिव अप्रोच uh, में ये चीज़ यूज होती है कि आप डीएम करना स्टार्ट कर दो आपने क्या करना है आपने जो ग्रुप और कम्युनिटीज बनी हुई है ना वहां पे इंट्रेक्शन करनी है वहां पे आप शोर मचा के रखें कि भाई मुझे ये नहीं समझ आ रही ये नहीं आ रही कोई आपसे पूछ रहा है तो आप गाइड कर दें ठीक है वहां पे भी आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाती है जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे मीडियम यूज करती हैं गिटअप करती हैं कोई गिटअप कर रहा होता है जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होती है आप उनसे बात भी कर सकते हो आप अपना उनको कोड दिखा के उनकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह होता है आप वहाँ पे भी कर सकते हो लेकिन डिपेंड करता है कि उन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको मीडियम कौन सा प्रोवाइड किया आप उसी पे फिर रहते हुए उनके साथ कंट्रीब्यूट करोगे उनके साथ बातचीत करोगे आप स्लैक से भी फेमिलियर होंगे जो इस वर्कशॉप में होंगे कि हम स्लैक पे किस तरह से रहके काम करते हैं डिफरेंट चैनल्स बने होते हैं और अगर उन्होंने उन्होंने हर एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम्स के लिए कोई चैनल बनाया है तो आपको उसमें पूछ लेना चाहिए क्वेश्चन अगर नहीं बनाया तो आप ट्राई करें कि आप कं, कं, जो ग्रुप है कम्युनिटी का उसी में ही रहते हुए बात करें उनको डायरेक्ट अप्रोच ना करें अब यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं लास्ट ईयर की इसमें जो कंट्रीब्यूशन हुई जितने भी एप्लीकेंट्स थे प्रपोजल्स कि कितने आए कितने एक्सेप्ट हुए और उसका फिर क्या रेट रहा वो सारी चीजें यहाँ मेंशन है यहाँ पे एप्लीकेंट्स uh, थे जो कि कंट्रीज से जिनकी कंट्रीब्यूशन रही थी उन्होंने अप्लाई किया था कंट्रीब्यूशन के लिए कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं हम आपके सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं या मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और जो सेवन थाउजेंड इसके जो थे वो सक्सेसफुली लोगों ने सबमिट करवा दिए थे ठीक है जिस तरह से सेम लाइक like, तो क्या होता है बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं उसमें रजिस्टर करवाते हैं खुद को कुछ को टीम मिलती है कुछ को नहीं मिलती जिनको मिल जाती है वो अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट कंट्री से ग्लोबली पार्टिसिपेट होता है ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक एरिया हमने बता दिया बाकी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इधर से नहीं कर सकते पार्टिसिपेट वैसे नहीं है ठीक है कहीं से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फिर आप क्या करते हो टीम अप होते हो मिलके प्रोजेक्ट पे काम किया उसको सबमिट करवा दिया अब उसके बाद मेंटर्स और ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती हैं कि ओके okay, हमने आ, uh, किन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना है जो हमारे लिए फायदा हो जो वाकई जिन्होंने प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया है तो यहाँ पे जो स्टैट्स अकॉर्डिंग टू गूगल है वो नाइन सिक्सटी सेवन जो है कंट्रीब्यूटर्स एक्सेप्ट हुए थे सिक्सटी कंट्रीज ठीक है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था और उनकी एक्सेप्टेंस भी हो गई थी ठीक है और उसके बाद जो इसका सक्सेस रेट रहा था होल प्रोग्राम uh, जो ट्वेल्व वीक का था वो एटी नाइन परसेंट था ठीक है तो ये कुछ स्टैट्स थे अब यहाँ पे लिंक्स हैं जो प्रोग्राम साइट के हैं आप इसको विजिट कर सकते हैं ये मैं शेयर भी कर देती हूँ अभी चैट में और यहाँ पे स्टूडेंट गाइड के रिसोर्सेज भी दिए हैं पूरा वो आपको गाइड किया हुआ बताया हुआ है एक ब्लॉग में भी आपको बताया पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है ओके किस किस तरह से आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं पूरी गाइडलाइन है स्टूडेंट के लिए भी है कि पूरा जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि ओके okay, बहुत सारी चीजें रिलेट कर रही हैं और ये मैं पहले से जानता हूँ तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा पहले से आपको पता हूँ चीजें तो आप सिर्फ वही चीजें जाके देखोगे जिस जो आपको नहीं पता जो आपको डाउट है कि ओके मुझे क्या यहाँ पे क्या करना था और कैसे कंट्रीब्यूट करना था मेंटर कहाँ से मिलेगा और ये सब कुछ तो आप ये लिंक्स को फॉलो करते हुए आप बाकी चीजें देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं किसी का कोई भी इसके रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ ले ताकि फर्दर हम फिर अपने वर्कशॉप के लेके वालेकुम मुझे पूछना था कि जैसे कि हम लोग कंट्रीब्यूट तो करते हैं तो फिर हमारी एक्सेप्टेंस होती है फिर ही हम जाके उनके सिस्टम में जो भी फीचर्स हमें वो कहते हैं हम करते हैं तो जो हम लोग प्रपोजल जो भेजते हैं उसके लिहाज से जरा बता दें वो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं हम किस तरह के मतलब सॉल्व करते हैं फिर जाके हमारी एक्सेप्टेंस होती है उस प्रोग्राम में अच्छा इसका जो ऑन तरीका है जैसे भी आप वेबसाइट विजिट करेंगे और वो जो भी आप स्टेप्स फॉलो करेंगे इसकी हमारी कल वर्कशॉप है जो सर इतम हमें बताएंगे हैंड्स ऑन करके कि ओके अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता तो आप कहाँ से स्टार्ट करें ठीक है गूगल पे जाएं कंट्रीब्यूटर्स देखें ऑर्गेनाइजेशन देखें पर उनके चैलेंजेस के ऊपर काम करें तो ये सारा आपको कल गाइड कर दिया जाएगा अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है उसके रिगार्डिंग अगर तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें

आपको मजीद प्रोपेशन की जरूरत नहीं है आप बस जाए और एक्सप्लोर करें चीजों को जब आप एक बार कर लेंगे ओके आपकी नजरों से सब कुछ गुजर गया अब आप आपने देखा कि ओके मैंने क्या क्या चीजें ऐसी की हैं लास्ट टाइम जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी या जो मुझे फेलियर के पास लेकर आए तो आपने उनको इम्प्रूव करने के लिए फिर थोड़ा सा काम करना है फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बहुत मजीद अच्छा कर जाएंगे जैसे पहले क्या था तो ये बेनिफिट हो जाता है कोई बात नहीं अगर आपकी ये भी इतनी नहीं है तो प्रिपरेशन को अगर कोई पर... बंदा है जैसे कि अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है जो कि जॉब कर चुका है आ, कर रहा है वो एप्लीकेशन वेब डेवलपर है, या वेब है, या वेब है क्या उसको भी प्रिपरेशन करने की जरूरत है या फिर ये सिर्फ प्रिपरेशन आप उनकी बात हैं जो बिगिनर्स हैं देखें बिगनर्स को तो करनी ही करनी चाहिए अगर बाकी वो कुछ यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो अगर इंटरमीडिएट की बात करूं जो कि जैसे आपने कहा कि जॉब कर रहे हैं और ओके वेब डेवलपमेंट और बाकी चीजें फिर मिलियर तो मैंने जो आपको अभी स्लाइड में दिखाया है कि आपको किन किन स्किल्स की जरूरत है जो जो स्किल सेट्स आपको यूज करनी है इम्प्लीमेंटेशन uh, में तो अगर आपकी उन पर ग्रिप है तो आप ठीक है आप करें पार्टिसिपेट और पार्टिसिपेट और इसमें कंट्रीब्यूट करें लाजमी तो उसमें फिर आपको ज्यादा प्रपेशन की जरूरत नहीं है बस उन क्या स्किल आप कर सकती हाँ, मजीद अगर आप किसी डोमेन में बहुत अच्छे हैं क्योंकि स्पेसिफिक तो नहीं है। आप किसी भी डोमेन से आ रहे हैं आप देखेंगे ना कि आपके डोमेन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है सूट कर रही है आपकी स्किल सेट से तो आप फिर उसी के लिए जाएंगे उसी के लिए काम करेंगे सो इट डिपेंड्स ओके थैंक यू

मतलब ये जो हमारा जनरल ट्रैक है ना जो हैकाथॉन्स हैं या कोडिंग कम्पिटिशन है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक है राइट कि इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं उसके लिए आपने अपने प्रपोजल्स सबमिट करने होते हैं तो ये वो चीज़ है जो आपको ना एक डिफरेंट डोमेन से फेमिलराइज करती है कि जिंदगी में आपने सिर्फ हैकाथॉन्स या कोडिंग कम्पिटिशन्स नहीं लिखने होते जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपने प्रपोजल्स लिखने होते हैं चीज़ों को समझना होता है प्रोजेक्ट्स करने होते हैं तो ये चीज़ें इस चीज़ के लिए आ, ये चीज़ें आपको उसमें हेल्प करती हैं तो इसमें जो एफर्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कि आपने आ, आपने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है फिर उसके जो प्रपोजल्स हैं वो देखने हैं प्रोजेक्ट्स हैं फिर उसके लिए अपनी प्रपोजल लिखनी है लेकिन ये आपको उस डोमेन से जो है वो फेमरइज करती है कि ये चीजें आप किस तरह पिक कर सकते हैं और इसमें आप लोग हम तो आप लोगों को इंक्रेज करेंगे स्टूडेंट्स को कि आप लोग जाएँ देखें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें प्रोपोजल्स लिखें और वो प्रोपोजल तो रिव्यू करवाएं ठीक है हम जो हैं जो हमारे मॉडरेटर्स हैं हम खुद प्रोपोजल्स रिव्यू करेंगे कि आप जब सबमिट करें तो वो उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस थोड़े से ज्यादा हों तो और देखें चूंकि ये एक पेड प्रोग्राम है ये भी है और इसमें अगर आपके जो ये चीजें किस तरह की जाती है राइट ये चीज आपको ना सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएगी आप इसको जरूर अपने रिज्यूमे में भी, भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सेप्ट हो तो, तभी आप लिखें ये तमाम चीजें आपको आपके ऐड करती हैं आपके प्रोफाइल में कि आपने ट्राई किया यू नो हाउ टू डू इट ओके आप लोगों को पता है कि इट्स वेरी राइट जिस तरह अगर आप आप तो गूगल की कोडिंग कम्पिटिशन हो रहे आप उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं पार्टिसिपेशन हैज इट्स इट्स नॉट कि आपने सिर्फ पोजिशन लेनी है तभी आप वो चीज ऐड कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में या सिर्फ तभी आप सीखेंगे इसी तरह है से, अभी हमारे जो स्टूडेंट्स बल्कि मेरी एक दफा एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि वो थोड़ी सी डिस्करेज फील कर रही हैं कि उन्होंने मल्टीपल वो हैकत में गई और उनकी कोई पोजीशन नहीं आई तो उसमें ऐसा नहीं है अभी वो शी गॉट सेलेक्टेड और अभी वो इन शाल यहाँ यू एस पी के लिए आ रही हैं तो इसमें सिर्फ मतलब कुछ चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती राइट जिस तरह तो हम कहते हैं ना कि जब एफ ए आफ, आफ, आफे, मैट्रिक एफ एस सी कर रहे होते हैं तो बोर्ड में पोजिशन लेना आपके अपने हाथ में इतना नहीं है हाँ बहुत अच्छे नंबर लेना आपके अपने हाथ में है लेकिन फिर आगे लक आप किस किसने आपका पेपर एवेल किया कुछ मतलब कई दफा होता है आपका पेपर उसके पास चला जाता है थोड़ा सा ज्यादा हार्ड मार्किंग करते हैं तो वो चीजें थोड़ी सी लक पे चली जाती हैं लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना इन चीज़ों में तो फिर ना सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव पड़ता है बल्कि आपका प्रोफाइल इस लिहाज से इम्प्रूव होता है तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप बताएं मतलब अगर, अगर आप नहीं सिलेक्ट होते तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं बता सकते हैं कल को कि मैंने गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट किया था मैंने प्रपोजल लिखी थी और अगर कल को कोई प्रोफेसर मांगे तब तो इस तरह की चीज़ें ना प्रोफेसर कई दफ़ा मांग लेते हैं हाँ भेजें आप भेजें आपने क्या लिखा था प्रपोजल ना या आप अपने रिज्यूमे में अटैच कर सकते हैं कि ये प्रपोजल है मतलब ये मैंने सबमिट किया था आप पूरा प्रपोजल तो नहीं आप लिख सकते लेकिन यू कैन ऑलवेज़ रेफर टू इट तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए भी और अपना प्रोफाइल बेहतर करने के लिए भी मैं मित्र साहब और महोदय शाम आप लोग कल भी एक वर्कशॉप कर रहे हैं राइट इस पे जी उसमें सर शाम हैंड ऑन बताएंगे कि आपने किस किस तरह से करना है और कैसे स्टेप्स फॉलो करके आपने इसको पूरे प्रोसेस को लेकर चलना अच्छा चलिए ठीक है बाकी बिल्कुल स्टूडेंट्स को मैं मिलता आप भी बताइएगा अपने जो कैरियर सर्विसेज का सेशन है यार के अगर जो स्टूडेंट्स प्रपोजल लिखते हैं वो बिल्कुल रिव्यू हाँ, करने के लिए भेजें उनके उनके जो प्रपोजल्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा जी सर ओके चलें इंशाल्लाह चलिए ठीक है थैंक यू मैम प्लीज कंटिन्यू जी फर्दर किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग जी सो तो वो कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रपोजल proposal...

और आपको लगता है कि आपकी स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग जो इस ऑर्गेनाइजेशन में गिवन प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो स्किल सेट्स के साथ मैच हो रही है तो आपने फिर क्या करना है आपके आपने उनके प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपने प्रपोजल बनाना है और आपने फिर अपनी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देनी है फिर वो उनके जो ओपन सोर्स कोड है फिर उसमें कंट्रीब्यूशन करना है उसमें चेंजेस जो भी मॉडिफिकेशन मोडिफिकेशन जो भी आपने करनी है तो फिर आपका जो है काम स्टार्ट होता है पहले तो आपने इंडिविजुअल काम करना है जब तक आपकी एक्सेप्टेंस एकसे, नहीं हो जाती एज अ कंट्रीब्यूटर तब तक आपको कोई टीम नहीं फिर मिलती फिर आप टीम अप होते हो फिर आपकी पेयरिंग होती है मैंटो के साथ फिर आप उनसे गाइडलाइन लेते हो बाकी लोगों के साथ मिलकर आप काम वगैरह कर रहे होते हो और फिर एक प्रपोजल पूरा बना के फिर मैंटो को सबमिट किया जाता है फिर आगे मेंटो का काम है वो आपकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को जब आपको वो बता दे फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपकी सिलेक्शन हुई है रिजेक्शन हुई है ओके हायरिंग हो गई फिर फिर नेक्स्ट काम चलता है बट मेन काम इसके बारे मैं 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 मैंने एडवेंट ऑफ जी 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 पूछें मैंने एडवेंट ऑफ कोड भी अटेंड किया एडवेंट ऑफ कोड में जैसा कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते है, और कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जैसा कुछ वैसा नहीं है मतलब कि हर कोई भी पार्ट हर हर कोई कोई इसमें कर कर, किसी भी प्रड़ेक प्रड़ेक कर, काम नहीं कर सकता सकता पार्टिसिपेट बट जो एडवेंट ऑफ कोड है ना वो एक कोडिंग कंपटीशन है तो उसमें आपको क्या क्या करना होता है कि कोडिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है अपने आंसर को सबमिट करना है डेट सेट एज इंडिविजुअल आप काम कर रहे हो बट इसमें तो आपका स्टार्टिंग में है इंडिविजुअली तौर पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टडी करना है और के फिर देखना है कि किस में मैं कंफर्टेबल जा सकता हूँ कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना भी आप पे डिपेंड करता है तो फिर उसके बाद आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में कर रह के काम कर सकते हैं बट हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक ही पे फोकस रखें उसी में अच्छा कर जाए तो ये ज्यादा है कि बजाय इसके कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह पे आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करें ठीक है तो थोड़ा खुद को बर्डनाइज भी नहीं करना और कंफर्ट जोन में रहते हुए आपने अच्छे से अपने जो है वो परफॉर्मेंस दिखानी तो ये थोड़ा सा हैकाथॉन की तरह होता है आपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना और मेंटोर से हेल्प लेना टीम में रहकर किस तरह से काम करना और उसके बाद ये सारा तो जो एडवेंट ऑफ कोड है वो तो एक कोडिंग कंपटीशन मैम आईकोड गुरु के किस स्टूडेंट का कोई कभी प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ हो या इस तरह का कोई है क्या जिन्होंने क्रैक किया हो Uh, मुझे आईकोड के uh, जी सॉक के रिकॉर्ड का तो अभी नहीं आईडिया तो सर रिजवान अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप शेयर कर सकते हैं Uh, नहीं मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी का हुआ है देखिए जिंदगी में ना कुछ चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं ये जो है ना uh, मतलब ये समर ऑफ कोड इज मोर कम्पिटेटिव देखिए इसमें पैसे भी तो ज्यादा हैं ना इसका इसका जो स्टाइपेंड है रिलेटिव तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में मुश्किल होती हैं हर चीज़ मतलब जिस तरह हम हैकाथॉन्स का कहते हैं और हम स्टूडेंट्स को इनकेज करते हैं आप तीन दिन के लिए जाएं आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा फिर भी हैकाथॉन आप पे चलेगी वो एक चीज़ है जो है ये अपनी जगह स्टैंड करती है लेकिन मतलब अब आप अगर अगर आप आग सिर्फ एकथन में जाए ना आप चीज़ें नहीं सीख सकते मतलब अदरवाइज तो, तो यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएँ आप हम सिर्फ हैकाथॉन्स करानी शुरू कर दें कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज बंद हो जाए राइट फिर लोग सिर्फ हैकाथॉन्स में जाके कर सीखें तो ऐसा तो कुछ चीज़ें हैं अब आप चार साल बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं सारी दुनिया में ये चीज़ है यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं किसी वजह से है ना कि आप चीज़ क्लास में जा सीखेंगे तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है इसलिए जो समर ऑफ ये जो है ना गूगल समर ऑफ कोड इट इज मोर कम्पिटेटिव इन सेंस के चूंकि इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है ठीक है तो इसके लिए मेहनत भी ज्यादा करनी है अब देखे ना अगर आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होते लोग मल्टीपल ईयर्स ट्राई करते हैं इस साल नहीं होगा अगले साल करेंगे इट्स इट्स अ प्रोसेस जिसमें आपको आना चाहिए फर्ज करिए इस साल आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होती तो क्या वो टाइम आया हो गया नहीं आप अगले साल दोबारा दें, ठीक है आप अब आपको पता चल गया थोड़ा सा फिर आप अभी आई डोंट नो अगर से सिद्दीकी ने ज्वाइन किया हुआ है मेरा है हाँ तो अगर आपका इस साल नहीं एक्सेप्ट होता आप उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं देखिए आप एक प्रोजेक्ट ढूंढें एक ऑर्गेनाइजेशन देखें एक प्रोजेक्ट ढूंढें जो आपके इंटरेस्ट में है आप ये प्रोजेक्ट्स रिपीट होते हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाते ज्यादातर अगली दफा रिपीट होंगे उसमें कोई चीज ऐड हो जाएगी आप उस फ्लो में आएंगे आप उस प्रोजेक्ट से कनेक्ट होंगे तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड अपना नॉलेज बेस अपना कॉन्टेक्ट ठीक है तो इसमें अगर हम ये कहें कि इसका जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका प्रोपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो मैं कहूँगा उसके चांसेस थोड़े से कम है ठीक है लेकिन हम अगर इसका सक्सेस क्राइटेरिया ये लिखें कि समझेंगे आपने, की, आपने एक प्रपोजल सबमिट किया प्रोजेक्ट समझा ठीक है आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुई ठीक है लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन से फिर आप इन कांटेक्ट चले जाते हैं फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करते हैं तो ये वो चीज़ है जो एक जो कि ग्रेजुअल लर्निंग है तो इस वजह से हम जरूर आप करेंगे आपको आप प्रपोजल लिखें रिव्यू करवाएं आपको पता चलेगा प्रपोजल लिखते कैसे हैं राइट आपको आपने एक डोमेन को एक्सप्लोर किस तरह करना है वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो इस टाइम पे जो ये डिफरेंट कंपनीज हैं वो सॉल्व करवाना चाह रही हैं क्या वजह है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है ठीक है वो क्यों इसको गूगल ऑफ कोड में ला रही हैं तो मैं एक्चुअली एक और मीटिंग में था तो मैं इनिशियली अटेंड नहीं कर सका मैमिल साहब इसका स्टाइमेंट कितना है वो आप शायद आपने शुरू में बताया होगा जी ऑलमोस्ट लास्ट टाइम तो इसका फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर था तो अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा तकरीबन टू हम्म तो आप ये देखिए ना मतलब दैट्स वेयर द द डिफरेंस वुड कम तो इसलिए इसका स्टाइपेंड भी ज्यादा है होता इस तो इट्स इफेक्ट इसमें आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना होगा रिलेटिव टू गोइंग इनटू अ हैकाथन और अ कंपटीशन लेकिन इसकी इसका जो लर्निंग का है उस वो स्टीप ज्यादा है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप सीखेंगे भी ज्यादा इसमें और... सर जैसे सर एक और क्वेश्चन था जी जी सर, सर जैसे आप एक खुद एक बड़ी टेक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो जी जिसने जी सो कैसा सर ये है ही मेजर इंडियन लॉबी ही है क्योंकि इनके जितने मेंटर्स हैं वो भी इंडियंस हैं जो कंट्रीब्यूटर्स आते हैं वो भी मेजर इंडियंस ही होते हैं और वो सर अपनी प्रिपरेशन दिसंबर जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं तकरीबन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सर अभी जिस तरह अभी मैं स्टार्ट करूं क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्सिटी के पहले दो सालों में भी बहुत कोशिश की थी इस चीज़ की लेकिन वो प्रपोजल कैसे लिखने और ये कैसे करना है उस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था लेकिन मुझे उतनी हावना है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस क्राइटेरिया पर सिलेक्ट करूँ और ये वो तो अगर अभी मैं ट्राई करना शुरू करूँ तो चांसेस हैं कि शायद एक्सेप्ट हो जाए हाँ बिल्कुल देखिए चांस है और आ, लेकिन फिर अगर एक्सेप्ट नहीं होता राइट तो ये प्रोसेस में आएंगे कि आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे ठीक है अगर आप मतलब बाकी जनरल स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इस साल ट्राई नहीं करेंगे ना देन अब आप, आप आउट हैं फिर आपको पता ही नहीं गूगल ऑफ समर ऑफ कोर्ट क्या है उसमें किस तरह प्रपोजल लिखी जाती है रिव्यू किस तरह हो रहा होता है एक्सेप्ट किस तरह हो रहा होता है तो ये इट्स अ प्रोसेस जिसमें आपको आना चाहिए जिस तरह हमारे काफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल यू एस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया है उनमें से बहुत सारे हो गए हैं बहुत सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे कुछ नहीं हो पाएंगे जो नहीं हो पाएंगे वो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे क्योंकि नाउ दे आर इन टू दिस प्रोसेस उनको चीज़ों की समझ आ गई है ठीक है तो आप एक दफ़ा जब एक प्रोसेस में आ जाते हैं ना तो लोग दो दो तीन तीन साल ट्राई करते हैं और उनका नहीं हो नहीं हो रहा होता प्रपोजल सबमिट लेकिन फिर वो उस प्रोसेस में आते हैं राइट अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो वो जो अक्सर कहते हैं ना कि देखिए चीज़ उन्हीं को मिलती है जो ट्राई करते हैं जब आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर तो इट्स प्रोबेबिलिटी ज़ीरो राइट अगर आप ट्राई करेंगे ओके okay, प्रोबेबिलिटी इज टेन ट्वेंटी परसेंट या फिफ्टी परसेंट लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करेंगे देन इट इज़ द इज जीरो तो आप ट्राई करें और इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और देखें ना यहाँ पर हम रिव्यू करें कर, करेंगे इससे भी आपको एक

तो मैं सोच रहा हूँ कि सिक्स के बाद जो मेरा समर आएगा तो उसमें मैं इंटर्नशिप के बजाय जीआरई कर लूँ और साथ ये हैकाथॉन्स मजीद करता हूँ क्योंकि एक हैकाथॉन हमने विन भी किया हुआ और मेरे टोटल हैकाथॉन्स आठ से नौ हैं तकरीबन हु, और एक विन किया हुआ है तो इंटर्नशिप मुझे करनी चाहिए या नहीं या मैं बाकी चीज़ों पर फोकस करूँ जी और हैकाथॉन्स पर ज़्यादा हम्म 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 देखिए अभी स्टेज पे आपको ताकि आप, देखें ना, आपके पास आठ हैं, आप 20 हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मतलब होता है ना कि, now, profile, ठीक है लर्निंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सौ में चले जाए लेकिन आपका प्रोफाइल बीस और सौ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा राइट क्योंकि इन एंड आप मेंशन करेंगे टॉप प्रोजेक्ट्स जिसमें आपकी पोजीशन आई है वो वाले राइट तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ये जो आप टाइम है ना ये मैं उस पर फोकस करूँ कि प्रोफाइल आपका बेहतर है ठीक है अब जो चीजें हैं कि मैं आईलेट्स दूँ वो तो दोस्त से कह रहा है कि आईलेट्स के बगैर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जी आर ही दूँ ठीक है उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ठीक है मैं ये आप मुझे थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए ठीक है मैं हैकथा में चला गया अब मुझे अभी हम नेक्स्ट वीक इनशाला प्लेस की बात करेंगे

कव थोड़ी सी कम होती है इट हैज इट्स ऑन एडवाटेज जिस तरह मैंने किसी को हायर करने अगर कर उसने इंटर्नशिप किया तो मुझे मैं हमेशा ये सोचूंगा कि यार मतलब ही नोज हाउ टू ऑपरेट इन ऑफिस एनवायरमेंट इसको पता है ऑफिस में कैसे काम किया जाता है फिर आपको वहाँ से भी एक रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है इट हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस लेकिन आपने एक कर लिया तो दो कर लेंगे तो उससे इट विल नॉट एड टू योर प्रोफाइल मैच

तो सर इस तरह से डाइवर्स करूं सर गूगल समर ऑफ कोड है एमएलएच फेलोशिप प्रोग्राम है आउटरीची भी है और भी ओपन सोर्स है मैंने आउटरीची में अप्लाई किया था लेकिन उसमें मेरा नहीं हो सका और एमएलएच में मैं अभी करने का सोच रहा हूँ उसके लिए मैं अपना एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ सर कि वो थोड़ा डिफरेंशिएट हो सके अच्छा चलिए दैट्स ग्रेट मसर लगा गुड टू नो शुक्रिया सर ओके आई लव यू चलो टू मी मिलता वी थैंक यू सो मच सर आपने काफी कुछ uh, शेयर किया स्टूडेंट्स के लिए होप सो कि बेनिफिशियल होगा सबके लिए और uh, अभी हम इस वर्कशॉप को एंड करते हैं क्योंकि हमारा वेबिनार है बहुत इम्पोर्टेंट है और आई इनवाइट यू टू ऑल कि आप जरूर अटेंड करें और सिलिकॉन वैली से हमारे स्पीकर होंगे और आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा उनसे ठीक है सर ओके थैंक यू एवरीवन अलाफस थैंक यू अलाफस